हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियोज हैं, उन पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे। लोग बोल रहे थे कि सर, ये जो MCWG ड्राइविंग लाइसेंस है, ये क्या है, इसको बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, MCWG ड्राइविंग लाइसेंस से हम कौन कौन से वाहन चला सकते हैं, और इसके लिए ऑनलाइन हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप बता दीजिए। तो दोस्तों, इसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसी ही जानकारी रेगुलर पाने के लिए, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, इसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, MCWG यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है मोटरसाइकिल विद गियर। इसको बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम एज जो है 18 से अबो होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज इसको बनवाने के लिए 18 साल होनी चाहिए। और जिस बंदे का ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है, आवेदन किया जा रहा है, उसको ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके पास वैलिड एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर उसकी एज 40 यानी 40 या 40 से ऊपर है, तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट वो किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवा सकता है, अपने एरिया का जो उसके एरिया का गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे बनवा सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की बात करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिएगा Form 1A (Vehicle), तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आपके एरिया का गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे भरवा लीजिएगा और साइन और मोहर लगवा के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को मैं आपको बता दूंगा आप किस तरीके से भर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि MCWG ड्राइविंग लाइसेंस से आप कौन कौन से वाहन चला सकते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर वाले ड्राइविंग लाइसेंस से आप कौन कौन से वाहन चला सकते हैं। दोस्तों, ये जो MCWG होता है, ये कैटेगरी है ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत कैटेगरी होती है, जैसे MCWOG, MCWG, LMV, HMV। LMV होता है लाइट मोटर व्हीकल, यानी अगर चार पहिया वाहन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए LMV। LMV के रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, इस वीडियो का आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो है LMV DL से कौन कौन से वाहन चला सकते हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि MCWG कैटेगरी के ड्राइविंग लाइसेंस से आप कौन कौन से वाहन चला सकते हो। जैसे दोस्तों, मोपेड्स हो गया, इनको आप चला सकते हैं, ये मोपेड्स। उसके बाद स्कूटर वगैरह आप चला सकते हो, इससे स्कूटी चला सकते हो आप, और कोई सी भी मोटरसाइकिल या बाइक आप चला सकते हो, चाहे कितने भी सीसी की मोटरसाइकिल या बाइक हो, या कोई सी भी बाइक या मोटरसाइकिल हो, उसको आप इस ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकते हैं। अगर आप अपने बाइक का कॉमर्शियल यूज भी कर रहे हो तो इससे आप चला सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रखी है, इस वीडियो को देख के आप किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे LMV हो, MCWG हो, MCWOG हो, या HMV हो। HMV के लिए, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो इससे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन LMV, MCWG, MCWOG उन सभी के लिए यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हैवी कन्वर्ट कराना चाहते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, तो इसके रिगार्डिंग मेरे वीडियो अपलोड करके इनको आप देख सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों, वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो की बात करूं तो व्हीकल रिलेटेड 26 वीडियो अपलोड कर रखी है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड 46 वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन वीडियो को देख सकते हो।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।